जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और नॉलेजबल वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ों का शिकार हो रहे हैं, इन चीज़ों का, और उनका चालान कट रहा है। तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं कैसे, आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि यातायात में टायर पंचर करना, गाड़ियों की चाबी निकालना, यह दोस्तों नियमों के विरुद्ध है, विपरीत है। अगर कोई भी पुलिसकर्मी, आरटीओ कर्मी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी अगर ऐसा करता है तो वह दोस्तों खुद कानून को तोड़ता है और आप उनके ऊपर खुद लीगल एक्शन ले सकते हो। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी गाड़ी से चाबी पुलिस निकालती है, आपकी गाड़ी को पंचर करती है, तो यह दोस्तों भारत सरकार ने खुद बताया हुआ है कि यह दोस्तों नियमों के विपरीत है, विरुद्ध है। ऐसे लोग विभाग के जो होते हैं वो नियमों को ताक पर रख कर ऐसा करते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में आपको पूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो पर बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा लाइक करके। एम करते हैं इस वीडियो के लिए 5000 लाइक का, तो लाइक जरूर करें, चैनल पर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आरटीओ के संबंध में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के, आपको मिस ना हो। मैं खुद आरटीओ के संबंध में कामकाज देखता हूं, तो मैं आपको इसके बारे में आज आपको आपके अधिकार के बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूं। अगर आप कोई भी जगह पर जाते हैं और आपको कोई भी पुलिसकर्मी, आरटीओ कर्मी, ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस, जो भी आपको वहाँ पर जवान आपको रोकता है और रोकते ही आपकी अगर चाबी लेने का प्रयास करे, तो ये बिल्कुल भी सरासर गलत है। और तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर पुलिस या होमगार्ड कोई भी हो और आपके वाहनों की चाबी निकालता है, तो आप इसको आप डट कर विरोध करें, घबराए नहीं, और ना ही आप इसके लिए कोई भी आपके ऊपर ऑफेंसिंग पेनाल्टी कुछ भी नहीं लगाई जाएगी। क्योंकि यह दोस्तों खुद ही वो पब्लिक जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो ही गलत कर रहा है। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विभाग ऐसे चीज़ों की आज़ादी भी नहीं देता है। अगर पुलिस विभाग की बात करें तो उन्होंने खुद इसके ऊपर हाल के ही नियमों में अवगत कराया है कि अगर विभाग का कोई भी आदमी ऐसी हरकत को अंजाम देता है, जैसे वो गाड़ियों को रोककर चाबी लेने का प्रयास करे, खड़ी हुई पार्किंग गाड़ियों को पंक्चर कर दे, तो यह बिल्कुल नियमों के विपरीत है। ऐसा इजाज़त ना तो पुलिस डिपार्टमेंट करता है, ना आरटीओ आरटीओ सेक्टर, ना ही ट्रैफिक पुलिस का जो हेडक्वार्टर, वहाँ से कोई चीज़ आदेश दिया जाता है। यहाँ तक कि मैं आपको बताने का प्रयास करना चाहता हूँ कि अगर आपको पता ही है कि शहर पर, चौराहों पर अक्सर देखने को मिलता है कि पुलिस या होमगार्ड के जवान आपकी वाहनों की चाबी को अक्सर निकाल लेते हैं, तो लेकिन पुलिस वालों को इसका करने का कोई अधिकार नहीं होता है। यह दोस्तों आरटीआई के इस खुलासे में भी पता चला, आरटीआई विभाग ने दोस्तों यह जानकारी प्रोवाइड की है। तो यहाँ पर दोस्तों टायर पंचर करना, चाबी निकालना, ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। या ऐसा करता है अगर कोई भी पब्लिक गवर्नमेंट सर्वेंट, तो पब्लिक उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, और अगर वो नहीं मानता है तो वो खुद कानून को ब्रेक करने का हकदार होता है, और इसके ऊपर आप केस भी चल सकता है उस गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विभाग ना तो किसी भी कांस्टेबल को, ना तो किसी भी रैंक होल्डर ऑफिसर को ऐसी इजाज़त देता है इन कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए। तो अगर आप इसके अलावा दोस्तों सड़क पर पीली रेखा के बाहर या फिर आप नो पार्किंग में खड़े हुए वाहनों को अगर कोई भी पंक्चर किया जाता है, तो ये भी सरासर गलत है और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत ये बिल्कुल भी इनलीगल है। ध्यान सुनिएगा, मोटर व्हीकल एक्ट जो कहता है, यानी हमारी कि जो भारत में गाड़ियों को चलाने के लिए, रखने के लिए जो कानून बने हैं, उस कानून में भी, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में साफ साफ मेंशन है, कोई भी पुलिसकर्मी, आरटीओ कर्मी, ट्रैफिक पुलिस, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट आपकी खड़ी हुई गाड़ियों को चाबी निकाल कर नहीं ले जा सकता है, पंचर नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो वो खुद कानून को ब्रेक करेगा और उसके ऊपर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी अगर आप उसका विरोध करते हैं तो, और उसके ऊपर केस भी चलाया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी आप शिकायत कहाँ कर सकते हैं। इसकी आप शिकायत सीधे सीनियर पुलिस ऑफिसर के हेडक्वार्टर में जाकर कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एसपी ऑफिस जो होता है वहाँ पर कर सकते हैं। आरटीओ का है तो आप आरटीओ ऑफिस में जाकर कर सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस का है तो उसके भी हेडक्वार्टर में जाकर आप शिकायत जरूर करें। इसके मामले में दोस्तों क्रिमिनल मामलों के अधिवक्ता एवं जिला बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री राहुल शर्मा जी ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर कोई भी बंदा हेलमेट भी नहीं लगाता है तो आप उसका चालान तो काट सकते हैं, लेकिन
₹200 का चालान आप उसका, ₹200 से शुरुआत होती है, ₹1,000 के अंदर चालान तो काट सकते हैं, लेकिन आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप उसकी गाड़ी को चाबी नहीं ले जा सकते हैं, पंचर नहीं कर सकते हैं, आप उसको परेशान नहीं कर सकते हैं, ये भी मोटर व्हीकल एक्ट कहता है। तो आपके पास पूरा अधिकार है, अगर वहाँ पर कोई भी जगह पर यातायात नियमों में आप चलते हैं, मोटर वाहन मालिक हैं और आपके साथ भी ऐसा कभी होता है, तो आप इसको समझ लीजिए, यही कानून है, यही नियम कहता है। आप अगर ऐसी स्थिति में होते हैं तो आप इस नियम को पालन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ऐसा कोई पुलिस वाला आपके साथ करता है, RTO कर्मी ट्रैफिक पुलिस, तो आप उसका वीडियो भी बना सकते हैं, वीडियो बनाकर आप पुलिस हेडक्वार्टर में उसको दिखा भी सकते हैं, उस ऑफिसर के ऊपर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। यही आपका अधिकार है, यही आपका कानून है। बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। कुछ समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, और उसके अलावा आप हमसे पर्सनल बातचीत सुझाव के लिए इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आपकी समस्याओं को निस्तारण बहुत जल्द वहाँ पर किया जाता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस RTO के सेक्टर की, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, आपसे मिस ना हो। मैं मिलता हूँ जल्द ही एक नए इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें आप दे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।